नुआदिल्ली भारत मंडपम ठारे आयोजित होइछि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन WTSA 2024 इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 रो अष्टम संस्करण को उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस रो अष्टम संस्करण विषयवस्तु होइछि द फ्यूचर इज नाउ कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिसेंति डिजिटल फास्ट ही आमर लक्ष्य होबा उचित। भारत रे एवं 200 अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही। भारत में सेमिकंडक्टर इकोसिस्टम उपर भी विनियोग होती। भारत एवं विश्व द्वितीय बृहत 5G मार्केट। भारत में टेलिकॉम सेक्टर रिफॉर्म अकल्पनीय। यूपीआई पेमेंट व्यवस्था बहु कंपनी को सुजोग देती। भारत यूपीआई सह संपर्कित अनुभूति सब् देश को जन। भारत ह्यूमेन लेड डेवलपमेंट उपर काम करुच्ची। प्रथम थरपाई आईटीयू WTSA भारत एवं एशिया प्रशांत महासागर द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो थे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जियो कंपनी चेयरमैन आकाश अंबानी सामिल होती। सहित 190 रु अधिक देशर 3000 प्रतिनिधि अंशग्रहण कर WTSA 2024 देश मान 6G AI IoT बिग डाटा साइबर सिक्योरिटी इत्यादि परवर्ती पीढ़ीर गुरुत्वपूर्ण ज्ञानकौशल मानदंड आलोचना एवं निर्णय करने प्लेटफॉर्म प्रदान कर। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले आज नुआदिल्ली में स्वास्थ्य सेवा कृषि एवं स्थायी सहर उपर 3टी एआई उत्कर्ष केन्द्र घोषणा करिसेंति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। श्रीकांत नदमुनि जी, डॉक्टर प्रवीण पंकजसन जी, दीजी अपेक्ष कमेटी की आदरणीय सदस्य राजन आनंदन जी, श्रीकांत नदमुनि जी, डॉक्टर प्रवीण पंकजसन जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित अलग अलग कंसोर्टियम की इंस्टीट्यूशन मेंबर्स, शिक्षा तथा चिकित्सा और टेक्नोलॉजी की दुनिया की कई आदरणीय महानुभव, पत्रकार साथीगण, पुष्पेंद्र जी, मैं आज सुबह भैंस की दही खा के आया हूँ और मैं आपको आज कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कहता हूँ। जब हम एआई के भारत एक नई पैदान में पहुंचने का प्रवास करने का तय किया है और मेरे लिए जैसे साधु संतों की सत्संग प्राप्ति करना एक सौभाग्य होता है। एक मंदिर की नींव रखना एक अत्यंत सौभाग्य की बात होता है। अभी आनंदन जी अपने एक अनुभव से एक आत्मविश्वास की स्टेटमेंट दिया कि एक डिकेड पहले भारत डिजिटल पेमेंट की इंडेक्स में कहीं नहीं था, आउटसाइड ऑफ 100 नंबर सही था ना, और आज 10 साल के बाद हम दुनिया की एक नंबर डिजिटल पेमेंट की पोजीशन पे हैं और उसमें मेरे को श्रीकांत जी बता रहे थे अमेरिका, यूरोप एंड चाइना और बचा कौन है, तीनों की जितना सामूहिक
कारोबार है डिजिटल की दुनिया में, भारत में उससे ज्यादा है। भारत के बारे में जब कहा जाता है, और मैं संयोग से कभी देश की ऑयल एंड नेचुरल गैस विभाग की दायित्व में रहा, 19th सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स ऑयल इकोनॉमी की इर्द गिर्द था, विश्व की राजनीति, विश्व की अर्थनीति और उससे प्रभावित समाज नीति एनर्जी के आसपास था, और ऑयल द मोस्ट प्रीशियस कॉमोडिटी वॉज ऑयल। उस समय में जब आगे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, कोई अच्छे आर्टिकल पढ़ते थे, तब भारत में एक शब्द कॉइन हुआ, डाटा इज द न्यू ऑयल। और मेरे सौभाग्य है मैं उस ऑयल से इस न्यू ऑयल तक पहुंच चुका हूं, और उस पेडेस्टल पे हम लोग खड़े हैं, इस पेडेस्टल में खड़े हैं कि हम अपने क्रेडेंशियल ग्लोबल मार्केट में प्रूव कर चुके हैं। जब इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 की समिट हुई, वहां जो एग्जीबिशन लगा था, आप में से कई लोग उसकी पार्टिसिपेंट और डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर रहे होंगे, दुनिया के सभी पार्टिसिपेंट का एक ही आकर्षण था, भारत इस ऊंचाई को उपलब्धि कैसे किया डिजिटल वर्ल्ड में, DPI बनाने में भारत इतने कम समय में। और जब मैं कम समय कहता हूं, मैं मेरे गृह राज्य के एक अनुभव बताता हूं, मैं उसका एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बताता हूं। 18th सेंचुरी में पहला औद्योगिक क्रांति हुई थी, 1760 to 1840, लगभग 80 साल की इस जर्नी में हम कहां खड़े थे, भारत कहां खड़ा था? भारत तब शायद लूट रहा था। 1866 में तब हम गुलामी के अंदर थे, मेरे वाला इलाका यानी उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये बंगाल प्रोविंस के अंदर था। तब एक ग्रेट बंगाल फेमिन हुई थी, उस बंगाल फेमिन में उड़ीसा में ही केवल 1 मिलियन लोगों की जान गई थी। इतिहासकारों ने उसकी वर्णन किया है, उन दिनों में यूरोप में और विशेष करके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पैसा डालने के लिए भारत के संसाधनों को अंग्रेजों ने लूटा था। दूसरे हमारे को हिस्सेदारी नहीं थी, हम तो एक्सप्लोइटेड ग्रुप थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, हमारी संसाधन पे दुनिया की संपन्नता आई थी। दूसरे औद्योगिक क्रांति 19th सेंचुरी में 1870 टू अर्ली 20th सेंचुरी तक हुई, तो हम लोग उसमें मजदूर की भूमिका में थे। वी पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एज ए मियर वर्कफोर्स। और तीसरी औद्योगिक क्रांति में 1950 अनवर्ड जो चला, जो 20th सेंचुरी की मिड से चला, तब हम उसकी मैनेजर बने थे। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भारत DPI एक एग्जाम्पल है, और आज मेरे इस टाइम लाइन को आप मार्क करके रखिए, आज हम लोग 15th अक्टूबर दशहरा को ही काउंट कर लेते हैं, 21st सेंचुरी की तीसरी डिकार्ड के दशहरा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, दीपावली दशहरा के बीच में इकट्ठा हुए हैं। 10 साल में जो 3 आज हमने मंदिर बनाई, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और सस्टेनेबल सिटीज में, ये दुनिया की पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को इस अवसर पे बधाई देता हूँ, विशेष करके मैं जो हमारे यंग रिसर्चर है उनकी आंखों की स्पार्क पड़ रहा था,
इसमें क्या क्या चीज निकल के आएगा, क्या क्या चीज निकल के आएगा। कभी भारत के गांव को अगर पता चलेगा, लोग आज भारत में खेती छोड़ के शहरों में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। जब उनको पता चलेगा उनकी प्रोड्यूस को ग्लोबली इतने बड़े मार्केट है, और एआई की डाटा उसको प्रूव कर रहा है, और हमारे गांव में खटाल में जो भैंस है उसकी अगर नंबर हम बढ़ाते हैं, उसकी अगर थोड़ा क्लीन और साइंटिफिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाते हैं, तब हमारी मिल्क प्रोडक्ट शायद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की न्यूट्रिशन की कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत तो करेगा ही करेगा, अफ्रीकन देशों की भी न्यूट्रिशन की समाधान। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने के लिए विश्व बंधु की भूमिका निभानी है, यह आउटकम है G20 की। हम ग्लोबल साउथ की एनविजन कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ में हमारी हमसे अपेक्षा क्या है दुनिया के देशों की, गरीब देशों की। आप ऐसे कुछ देखो, आज की दुनिया में जो बिजनेस मॉडल बना है, उस बिजनेस मॉडल में दुनिया के गरीबों के हक नहीं है। जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी, जो डिसरप्शन आई है, उसमें विश्व के गरीबों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारत सदैव, हम तो विद्या को कभी कमर्शियलाइजेशन की दृष्टि से देखा ही नहीं, विद्यादानम श्रेष्ठ ऐसे हमने मानने वाले लोग हैं। आज जो नॉलेज परस्यूट आज हो रहा है, इसमें भारत की अर्थनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, विशेष करके नई पीढ़ी को रोजगार दिलवाना, और एआई तो नया नया कल्पना लेके आ रहा है। उस कल्पना में हम यहीं बैठ के, मैं हेल्थ केयर की मॉडल को समझ रहा था, उस हेल्थ केयर मॉडल में आपने सही कहा कि हमारी हाथ में जो मोबाइल टेलीफोन है उसमें क्या फीचर है हमें भी मालूम नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन भारत में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हो जाएगा। आज संयोग से मोबाइल कांग्रेस हो रहा है देश में, आज मोबाइल कांग्रेस हो रहा है। उस मोबाइल कांग्रेस में जो मोबाइल की रिवॉल्यूशन हुआ है देश में, और नए सस्ते अफोर्डेबल नए स्मार्टफोन आएंगे, उसमें चलेगा क्या? ये हम तीनों की मंदिर से निकलने वाले जो प्रसाद निकलेगा, लोक कल्याण की नया आयाम उसमें से जुड़ेगी, और इसके काम हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, या फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से चलने वाले जो इंस्टीट्यूशन हो, उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज हमारी आवश्यकता है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर आज के अवसर पे देश की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में, जब 23 फरवरी महीने में वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच दी थी, तब उन्होंने कहा था हम 1,000 करोड़ रुपया की विनिमय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन 3 सेक्टर में बनाएंगे। जब हमारी टीम शिक्षा विभाग में बैठे, मेरे को पहला प्रेजेंटेशन दिए, आजकल तो नैक में थोड़ा इधर उधर हो जाने से 4 पैर भी आ जाता है, हमारी इंस्टीट्यूशन को क्यों छोड़ दिया आपने, तो मेरे मन में था कि ये ट्रांसपेरेंटली होगा कैसे, और विशेष करके विद्वानों में किसके पास ज्यादा बुद्धि है इसको क्यों ना आकलन करेगा, ये बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं श्रीधर बेम्बूजी और उनकी पूरा टीम को आभार प्रकट करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, संजय मूर्ति जी, सौम्या जी, विश्वजीत जी, सब कुल कीन लग के कम से कम हमारी समय में एक पारदर्शी तरीके से, और ये सिर्फ 6 इंस्टीट्यूशन नहीं है, 5-4 इंस्टीट्यूशन को आज हमने स्टेज पे बुलाया, एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली, कानपुर IIT और रोपा IIT,
शायद इसके साथ मिलाएं तो अराउंड मोर देन 50 इंस्टीट्यूशन है। आप सब लोग उसकी स्पोक बन जाओगे और उसमें मैं कैसे सपना देखता हूँ, मेरे इंटरेस्ट क्या है उसमें, ये तीन सेंटर एक नई प्रकार की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाएगी। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हजारों नई पीढ़ी की सामान्य लड़कों को बिलियनर बनाने के सपना दिखाएगी। मैं कुछ दिन पहले IIT गांधीनगर की रिसर्च पार्क में गया था, मैं एक दिव्यांग भाई को वहां देखा, दिव्यांग यंगस्टर्स को वहां देखा। उन्होंने AI की एक छोटी सी मॉडल हमको दिखाया था, उसमें खड़गपुर IIT का वो स्टूडेंट था, रहने वाला पूर्वांचल के था, उत्तर प्रदेश की, शायद इलाहाबाद की तरफ का कहीं का था, लेकिन रिसर्च पार्क IIT गांधीनगर में वो काम किया। उसकी प्रोडक्ट क्या था, यूजुअली हमारे देश में आज कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात कहा जाएगा तो कोई मशीन टूल के बारे में और ज्यादा से ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में लोगों की सोच पहुंच पा रही है। उन्होंने एक मोबाइल फोन साइज की डिवाइस इनोवेट किया था, उस मशीन में कोई वेजिटेबल कोई फ्रूट के ऊपर उसको थोड़ा स्कैनिंग करेंगे तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग होकर उसको बताएगा उस फ्रूट की और वेजिटेबल की क्वालिटी क्या है। मैं उसको पूछा इसकी एप्लीकेशंस क्या होगा, बोले बड़े बड़े मंडियों में क्वालिटी और वेजिटेबल और फ्रूट्स को चेक करने के लिए ये एक प्रकार से मदद करेगी, टेस्टिंग करने के लिए मदद करेगी। मित्रों, हमारी देश में नई पीढ़ी के पास कल्पना की कभी कमी नहीं था, इसीलिए रिसर्च इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी बनाना और अफोर्डेबिलिटी के साथ बनाना, लोक कल्याण के लिए बनाना, ये हमारी देश की परंपरा रही है, ये हमारी मिशन है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक अत्यंत उच्च कोटि की संत समाजों की समागम जैसे मेरे लिए समान है, जेंटलमैन नोबेल लॉरेट की कॉन्फ्रेंस में इसको मानता हूँ। ये आने वाले दिनों में विश्व की समस्याओं के समाधान निकालेगी, इसीलिए निकालेगी कि बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री कुछ इनोवेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, मार्केट एक्सेसिबिलिटी कहाँ है। हमारे एम्स में जितने पेशेंट आते हैं शायद कई सारे यूरोपियन देश की टोटल पेशेंट की संख्या उतनी होगी, भले वो लैब से निकाल कुछ दे लेकिन उसकी सक्सेसफुल क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट कहाँ होगी। हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो मेंटरशिप करने के लिए जो हैंड होल्डिंग करने वाले जो इकोसिस्टम है, दुनिया में कम जगह पे इस प्रकार के इकोसिस्टम है। हमारी देश में जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट है, तो साइज ऑफ मार्केट है, ये आने वाले कम से कम 50 साल के लिए भारत की एडवांटेज होकर रहेगा। जब कहा जाता है 21st century भारत की सेंचुरी होगी, नॉलेज बेस्ड सेंचुरी होगी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सेंचुरी होगी, भारत इस प्रकार की इनिशिएटिव से ना केवल खुद की समस्या का समाधान निकालेगा, विश्व के कल्याण की भी समाधान निकालेगा। मैं आज के अवसर पे सभी स्टेक होल्डर को, सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे कामों में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। Thank you, sir, for your continual guidance and inspiring words. As we approach the conclusion of our program, जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।